हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि एक सिंपल सी जॉर्जेट की साड़ी है, जो डेली वेयर ड्रेपिंग हम कहते हैं, उसमें इस तरीके की जो साड़ीज होती है, या फिर हमें कहीं बाहर जाना है तो 5 मिनट में अगर हमें साड़ी ड्रेप करनी है और वो भी नीट क्लीन और अच्छी तरीके से आ जाए तो और क्या हमें चाहिए। तो इस तरीके की साड़ी जो है, अक्सर हम अच्छी तरीके से नीट क्लीन ड्रेप करना चाहते हैं। सो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं इसके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले साड़ी जो है, आप देख ही पा रहे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल ये साड़ी है। इसको बॉर्डर में छोटे छोटे एम्ब्रॉयडरी वर्क में फ्लावर्स दिए हुए हैं। बहुत ब्यूटीफुल ये साड़ी है और कलर भी इसका बहुत ही लाइट वेट है, और बहुत ही यानी कि कलर थोड़ा सा लाइट है और टेक्स्चर में लाइट वेट है। ये इस तरीके की एक नॉट मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर बना ली है, और यहाँ पर नीचे से जो हील्स वगैरह है वो भी हमें सबसे पहले तो वेयर कर लेने हैं। और फर्स्ट राउंड हम यहाँ पर नॉट बना लेंगे, और उसके बाद में चारों तरफ से अच्छे से टकिंग करने के बाद एक अच्छा सा हमें नीट क्लीन यहाँ पर फर्स्ट राउंड लेना है। नहीं तो अच्छी तरीके से चारों तरफ से हम टकिंग नहीं करते हैं तो बाकी की जो साड़ी वगैरह है वो भी इसी तरीके से फिर फ्लफीनेस उसमें आ जाता है और अनइवन लुक दिखाई देता है। अब यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको जिस तरीके की प्लेट्स में हमें चाहिए उतनी ही प्लेट्स में हम यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अगर आप थोड़ी सी बड़ी साइज़ में बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम डेली वेयर यूज़ कर रहे हैं तो अक्सर डेली वेयर में अगर ड्रिप करनी है तो घर के काम वगैरह भी इसी पहन कर ही हम करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कुछ इसी तरीके का पल्लू अगर आप बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, और नीट क्लीन लुक तो आएगा ही, साथ ही साथ हमें थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी कि साड़ी को ज़्यादा संवारना नहीं पड़ेगा और हमें काम करना भी इजी हो जाएगा, यानी कि वर्क भी करना इजी हो जाता है। ऑफिस के लिए भी अगर कहीं बाहर नौकरी वगैरह सर्विस हम करते हैं तो वहाँ पर भी साड़ी वगैरह कहीं पर ड्रेसिंग होती है, तो वहाँ पर भी अगर आप इसी तरीके का पल्लू का पोर्शन अगर रखते हैं तो ईजी भी हो जाता है और अच्छी तरीके से आपकी ड्रेपिंग भी रहती है। तो कुछ मैंने इस तरीके के ये कपड़े सुखाने के जो पिंस है उसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और एक अच्छा सा पल्लू हम यहाँ पर बना लेंगे। और पल्लू के जो बीच की प्लीट्स है वो फर्स्ट वाली जो प्लीट है उसके नीचे ही रहे, ना कि उससे झांकने लगे, इसका हम ध्यान रखेंगे, और घुटने से नीचे तक पल्लू का पोर्शन हम ज़रूर रखेंगे कुछ इस तरीके से। घुटने से नीचे रखने की वजह ये होगी कि इससे आपका जो लुक है वो टॉल और स्लिम दिखाई देगा। अब यहाँ पर शोल्डर पर सबसे पहले जहाँ पर शोल्डर पर हमारा पल्लू आता है वहाँ पर मार्क करते हुए एक सेफ्टी पिन ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो जॉर्जेट की साड़ीज होती है इससे पल्लू जो है उसकी जो प्लीट्स हैं वो शोल्डर पर निकलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। सो इसीलिए पहले तो हमने एक सेफ्टी पिन लगा ली है, और बाद में यहाँ पर अब मैं कुछ इस तरीके से लेफ्ट वाले शोल्डर पर इसको ब्लाउज़ के साथ में एक सेफ्टी पिन से अटैच कर लूँगी, वो भी थोड़ा सा पीछे की साइड में। अब ये पल्लू का पोर्शन जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और प्लीट्स जो है इधर उधर नहीं भागेगी। सामने की तरफ से जब हम इसको अच्छे से सेट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। सो देखिएगा, ज़्यादा लेफ्ट साइड का पोर्शन भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम से कवर हो जाता है। सो इसी तरीके से हम इसको रहने देंगे। पीछे से भी हमें अगर आपको अनकम्फर्टेबल लगता है तो कुछ इस तरीके से अच्छे से पहले से ही सेट करके ज़रूर लेना है, और बाद में सामने की तरफ से जो भी अभी प्लीट्स होगी उसको भी अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ऊपर की जो बॉर्डर है गले की तरफ जा रही है उसको हमने कोई भी सेफ्टी पिन नहीं इस्तेमाल की है, इसको हम कुछ इसी तरीके से रखेंगे और बॉर्डर को अच्छे से उभर कर दिखाई दे इसका भी हम ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा, हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते हैं तो सेफ्टी पिन हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो इस तरीके से अभी इस तरीके की जो साड़ीज़ होती हैं इसमें छोटी प्लीट्स हम बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इजीली सेट हो जाती है, इसको ज़्यादा हाथ से प्रेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दो प्लीट्स का फैब्रिक जो है वो मैंने पीछे की तरफ छोड़ दिया है, और सामने की तरफ से अब मैं यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा लूँगी सभी प्लीट्स को, और बाकी की जो प्लीट्स वगैरह हैं उसको भी अब हम अच्छी तरीके से पहले सेट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी अच्छे से हमें इसको इवनली बना लेना है, क्योंकि बॉर्डर पर ही अगर इस तरीके की जो साड़ीज़ होती हैं बीच में तो अच्छे से सेट हो जाती हैं,
सिर्फ बॉर्डर पर थोड़ा सा इसको अच्छे से हाथ से अगर आप बनाते हैं, नीट एंड क्लीन करते हैं, तो आपकी जो पूरी प्लीट्स हैं वो सेट हो जाएगी। ये वाला फैब्रिक देखिएगा, अभी इसको थोड़ा सा राइट साइड में करेंगे और इसको अब मैं बेली बटन के नीचे टक इन करना चाहूँगी, ज़्यादा राइट साइड में नहीं और ज़्यादा भी लेफ्ट साइड में नहीं। और ये वाला जो फैब्रिक है, यहाँ से अब हम कुछ इस तरीके से होल बनाएंगे और इसको हमें खींच लेना है। जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उतना ज़रूर खींचिएगा, लेकिन नीचे का जो फैब्रिक है ज़्यादा नहीं खींचना है ये वाला फैब्रिक, नहीं तो पीछे नीचे से भी लेफ्ट साइड से साड़ी जो है बॉर्डर ऊपर की तरफ जाने लगती है। सो इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और कमर में टक इन कर देंगे और बाद में बाकी का जो फैब्रिक वगैरह है वो भी इसमें टक इन कर देना है। उसके बाद में ऊपर का जो फैब्रिक है इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से ये आएगी। तो कर्व का पोर्शन आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सेफ्टी पिन हमने नहीं इस्तेमाल किया है। सो इस तरीके से अगर आप ड्रिप करते हैं तो आपकी साड़ी फटने का डर भी नहीं रहेगा। सिंपल सी जॉर्जेट वगैरह की साड़ीज अगर ज़्यादा सेफ्टी पिन हम लगाते हैं तो फट भी सकती है। यहाँ से ऊपर से मैं एक पिन लगा लूँगी और प्लीट्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज हो चुके हैं और एकदम से परफेक्टली नीट क्लीन और सिंपल बट स्वीट लुक हमारा यहाँ पर बन चुका है। प्लीट्स भी इजीली हमारे बन जाएंगे। ऊपर का जो फैब्रिक है इसको भी थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेंगे, यानी कि बॉर्डर वगैरह, और हमारी जो ड्रिपिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो सिंपल सी इजी टिप्स के साथ हम इसको सेट करेंगे तो हमारा जो लुक है वो इजीली यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। लेफ्ट साइड से भी आप देख सकते हैं कोई भी पोर्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपकी बॉर्डर एक तरफ जा रही है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम एक पिन लगा लेंगे और ऊपर की बॉर्डर इसके ऊपर रख देंगे, जिसके चलते आपकी जो साड़ी है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ऊपर की बॉर्डर नहीं भागने लगेगी। पल्लू का जो भी पिन हमने लगाए हैं वो भी यहाँ पर अभी निकाल लेंगे और पीछे से भी आप देख सकते हैं एकदम से परफेक्टली नीट क्लीन लुक हमारा यहाँ पर बन चुका है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।